हाय लर्नर्स, एक्सरसाइज 4.0 क्वेश्चन नंबर 4 रो थर्ड बिट सॉल्व करवा। राइट, क्वेश्चन दिया है 3 sin x + 4 cos x = 5। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5 टा दे पर अपन किसी प्रॉब्लम नहीं आसीजो एग्जाम रे। राइट, कहीं आसीजो बिकॉज ये क्वेश्चन को अपन मन रखा पड़ो। सबुठ खराब जिनस हो क्वेश्चन पूरा प्रोसीजर को अपन मन रखा को ही पड़ो। राइट, देखो एम देखिक आप क्वेश्चन बुझा पड़ोन। राइट, गिवेन इक्वेशन इज थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स इज इक्वल टू फाइव। राइट, नाउ प्रोसीजर मन रखा पड़ो। ठीक अच्छे, ध्यान दिखता मुझे खाली बुझे बुझे चलती। डिवाइडिंग बोथ साइड विथ फाइव, फाइव रे बोथ साइड को डिवाइड कर दैट इम्प्लाइज कौन हम 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/5 और आप सिंपली वन लिखि दिं। ठीक अच्छे, आ गोटे स्टेप लिखा पड़ो, हईराण हो नाउ। ये गोटे बहुत इम्पोर्टेन्ट कनसीडरेसन ना पड़ो। देख 3/5 आप लिखे नाउ लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस वाई एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन वाई। ये लेट आप मन रखा को ही पड़ो ये प्रोसीजर रे। राइट, आउ किसी यार प्रोसीजर ना मुझे पूरा सब खोज सारि देन दि तीन टा बुक रिफर कला मोटे ये इजेस्ट प्रोसीजर लगला। दु तीनटा गाइड बुक्स प्रिफर कला परे मु फाइनल आपन पा ये सॉल्यूशन आनी। राइट, तो हमर इक्वेशन कौन चेंज हो जीवो 3/5 जगह रे कॉस वाई पुट करवा। राइट, कॉस वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू 4/5 जगह रे साइन वाई इज इक्वल टू 1। मु काई गेम कली देखो साइन सी साइन एक्स इंटु कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटु साइन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई रो फॉर्मूला आसीगला। राइट, एबे आपण भाव सर ये 3/5 सब केंद हम वाई केंद सॉल्व करिया आप नुआ गोटे वेरिएबल क्वेश्चन कौन कौन एपट रेज हम देखूँ। आप नुआ वेरिएबल वाई नहीं गले आपको आम के सल्व करवा। ठीक अच्छे, 3/5 ये सब जिन आपको केमी सल्व कर सब जिन गोटे छोट ट्रिक अच्छे लास्ट को आप बुझे। तो दैट इम्प्लाइज मुझे कौन लिखी यहाँ फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। राइट, ये क्वेश्चन आसीगला तो साइन केते डिग्री 1 दैट इम्प्लाइज साइन एक्स प्लस साइन 90 आमर 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 साइन 90 आमर 1। नाउ यूजिंग थ्योरम 3 थ्योरम 3 यूज कले आमर एक्स कौन आठ एक्स प्लस वाई आस। राइट, देखो एक्स प्लस वाई आसफा कौन आसर पाई बाय 2 आसमुला पुट करूँ कौन हम एक्स इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अच्छे ना वेरिएबल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा दैट इज पाई बाय 2 प्लस एन पाई वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। राइट, नाउ आमको सॉल्यूशन बाहर करिया छ माने एक्स रो वैल्यू फाइंड आउट करिया छ दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई बाय 2 प्लस एन पाई प्लस वाई सेपटे गल कौन हम माइनस वाई वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। नाउ बहुत लोग कौन करते ये सॉल्यूशन छाड़ दिखती दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोली छाड़ दिखती बट यहाँ भूल बिकॉज आम गोटे वेरिएबल एक्सट्रा लेट नहींचे आपको आमको सॉल्व करिया पड़ो। देखो आम गोटे वेरिएबल एक्सट्रा वाई नहींचे जहाँ को आमको इन टर्म्स ऑफ या तो एक्स आने को पड़ो। राइट, या किसी कांस्टेंट आने को पड़ो ना एबे वाई को सॉल्व करिया बुझंत आमे कौन लेट नहीं साइन वाई इज इक्वल टू 3/5 सॉरी साइन वाई इज इक्वल टू 4/5 कॉस वाई इज इक्वल टू 3/5। राइट, तो मु साइन वाई बाय कॉस वाई बाहर कले मोर कौन आसो 4/5 बाय 3/5 5/5 कटले कौन आसला 4/3। राइट, दैट इम्प्लाइज
साइन वाई बाय कॉस वाई को टेन वाई लिख पारि कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू फोर बाय थ्री दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स फोर बाय थ्री लिख पारि कि एपट टेन थी सेपट ना टेन इनवर्स हो ना वाई रैल्यू देखो गोटे कन्स्टांट टेन इनवर्स अच्छे तो ये गोटे कन्स्टांट हो वाई सिंपल वाई रैल्यू टे पुट कर दिखाँ दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाय टू प्लस एन पाई माइनस टेन इनवर्स फोर बाय थ्री दिस इज योर जेनरल सल्यूशन आंसर। ठीक अच्छे प्रोसीजर बहुत इंपोर्टेंट अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आसी पारे 100% जदि क्वेश्चन टफ आसो ये क्वेश्चन जरूर आसो। देखो एबे आपण कौन कही पारे एक्स इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट अच्छी कि ना देखो एन आमर इंटीजर एपट लिखे एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर एटा छाड़े ना है एन आमर एलिमेंट ऑफ इंटीजर पाई कांस्टेंट पाई पाई बाय टू भी कांस्टेंट पाई कांस्टेंट टेन इनवर्स फोर बाय थ्री भी गोटे कांस्टेंट वैल्यू आस तो एक्स सॉल्यूशन आस एन रो डिफरेंट वैल्यू पाई राइट एटी आम छाड़ देते कौन था एन रो डिफरेंट वैल्यू पाई एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आसता तो एक्स सॉल्यूशन आसी ना राइट से आम वाई को सॉल्व करे बहुत इजी सॉल्व करे बस ये आपको इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो ये जो आम लेट ने ऑटोमेटिकली आपंकर आंसर आसीज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दे करेंगे राइट थैंक यू।